देखिए अभी हमारा कमल का फूल प्रत्याशी है। देखिए डॉक्टर साहब हमारे नेता हैं और जब तक हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड कोई अनाउंसमेंट नहीं करता तो तब तक मेरी भी गारंटी नहीं है, डॉक्टर साहब की भी गारंटी नहीं है। ये है हरियाणा भाजपा के सुप्रीमो नायब सिंह सैनी, जिन्हें खुद भी नहीं पता कि लोकसभा में उन्हें टिकट मिलेगा या फिर नहीं। सवाल तो था रोहतक से अरविंद शर्मा की दावेदारी पर, लेकिन जवाब में कमल के फूल को प्रत्याशी बताकर सैनी साहब न केवल बोलने से बचते रहे बल्कि अरविंद शर्मा के सामने जवाब को गोलमोल करते हुए यहां तक कह गए कि टिकट किसे मिलेगा इसका फैसला तो पार्लियामेंट्री बोर्ड ही करेगा, क्योंकि मुझे तो यही पता है कि भाजपा की टिकट को लेकर मेरी और अरविंद शर्मा दोनों की कोई गारंटी नहीं है। देखिए अभी हमारा कमल का फूल प्रत्याशी है और पिछली बार अरविंद शर्मा जी ने बड़े मैंडेट के साथ यहाँ से लोकसभा को जीता था और अब की बार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे जो बूथ के ऊपर वोट मिले हैं उस वोट के अंदर 370 वोट हमारा कार्यकर्ता और जोड़ करके बड़े मैंडेट के साथ यहाँ पर कमल का फूल खिलाने का काम करेगा और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। देखिए डॉक्टर साहब हमारे नेता हैं और जब तक हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड कोई अनाउंसमेंट नहीं करता तो तब तक मेरी भी गारंटी नहीं है, डॉक्टर साहब की भी गारंटी नहीं है। देखिए अब ये एक कहावत है कि आवा चुक्की डूमणी गावाल पताल, इनने 10 वर्ष तो भ्रष्टाचार में निकाल दिए, 10 वर्ष तो युवाओं का विश्वास उठ चुका था इनकी सरकार के ऊपर से कि भाई नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो पैसे से मिलेगी, नौकरी तो किसी का चक्कर काटने से मिलेगी, परंतु आज वो विश्वास मनोहर लाल जी ने युवाओं के अंदर कायम किया है, उस विश्वास को भरा है। दरअसल चर्चाएं हैं कि रोहतक लोकसभा सीट से मौजूदा भाजपा विधायक अरविंद शर्मा का टिकट कट सकता है और उन्हें सोनीपत लोकसभा सीट से उतारा जा सकता है। इस अटकलों को लेकर भाजपा की ओर से कोई खंडन भी नहीं किया गया। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे थे जिसके जवाब में खुद हरियाणा भाजपा के प्रधान ने कह दिया कि भाजपा में टिकट को लेकर किसी की भी कोई गारंटी नहीं है। बता दें कि झज्जर शहर की प्रेम वाटिका में भाजपा ने पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया था जिसमें नायब सैनी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे और साथ में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ व अरविंद शर्मा ने भी हिस्सा लिया। झज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।